दिल्ली में चुनाव नजदीक, दिल्ली सरकार भी अपने को बड़ी तेजी से कर रही है। जैसी कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की पाइपलाइन का जल बिछा रही है और साथ ही दिल्ली की 200 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों में नालियां व सड़कों का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। दिल्ली में कुछ कॉलोनियां तो ऐसी भी है जिनको 50 साल से भी ज्यादा हो गए, कुछ कॉलोनियां ऐसी है जिनको 20 साल से ज्यादा हो गए। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में चल रहे फ्लड विभाग द्वारा चल रहे कामों को लेकर। लोग खुश तो है लेकिन कुछ लोग नाराज भी है, लेकिन वे अपनी इस नाराजगी को कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन यहां फ्लड विभाग के बड़े अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हैं। इस कामों की कमियों की बात करें तो यह इस काम में आप देख ही सकते हैं कि यहां जिन नीतों को लगाया जा रहा है वो बिल्कुल घटिया लगाई जा रही हैं। और मसाले की हम बात करें तो वो भी कम सीमेंट डालकर, खाना पूर्ति कर लोगों को गुमराह करके यहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह कर अपनी जेब भरने में लगे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार अपनी वहाँ वहाँ उड़ा रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ के कुछ अधिकारी अपने जेब भर दिल्ली सरकार को और जनता की भी धोखा दे रहे हैं। इस तरह घटिया किस्म के मटेरियल को इस्तेमाल करने से यहाँ की नालियों कुछ ही महीने बाद खराब हो जाएगी। यहाँ के आईजी सभी यहाँ देखने आते तो जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली सरकार ने सभी कच्ची कॉलोनियों को लाखों करोड़ों के बजट से पास किया है, जिनको पक्का पक्की सड़कें, पानी की पाइपलाइन बिछाई है। ऐसे ही दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में चल रहे फ्लड विभाग द्वारा कार्य की हम बात करें तो यहां पर चल रहे इस फ्लड विभाग द्वारा कच्ची कॉलोनियों के नाली व सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें की घटिया क्वालिटी की ईंट लगाकर इस कार्य को किया जा रहा है। इन नालियों में ईंटों के टुकड़े लगाकर कच्चे मसाले के साथ यहां पर खाना आपूर्ति कर रहे हैं। यहां के लोगों से यदि बात करें तो यहां के लोगों का कहना है कि हम एक तरफ तो दिल्ली सरकार से खुश है, दूसरी तरफ इस विभाग के कुछ अधिकारियों से नाराज भी है जो कि अपनी जेब भरने में लगी है। जैसे कि घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाकर या कहीं और जाए अपनी जेब तसली से भरने में लगे हैं और यहां की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली सरकार लाखों करोड़ों के बजट तो पास कर देती है, लेकिन यहां के अधिकारी दिल्ली सरकार को बदनाम करने में लगे हैं।